दोस्तों वर्तमान समय में भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है और इन सभी स्टेट्स की अपनी अपनी संस्कृति है। जैसा ऐसा लगता है मानो हमारा भारत कई सारे देशों से मिलकर बना है। आज भले इन राज्यों की अपनी अलग अलग संस्कृति है, लेकिन इन राज्यों की योगदान की वजह से आज हमारा भारत इकोनॉमिकली तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि भारत की सभी राज्यों में से वो कौन सी 10 राज्य है जो सबसे ज्यादा अमीर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कौन सा स्टेट अमीर और कौन सा स्टेट गरीब, ये पता कैसे चलता होगा? तो मैं आप सभी को बता दूं ये जीडीपी से पता चलता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे ये पता चलता है कौन सी स्टेट की अर्थव्यवस्था कैसा है और उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। लेकिन दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपना राज्य का नाम जरूर बताना और वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद कमेंट में ये जरूर बताइएगा आपका राज्य इस सूची में शामिल है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत के 10 सबसे अमीर राज्य की लिस्ट में 10 नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का टोटल जीडीपी 130 बिलियन डॉलर है यानी 9,09,000 करोड़ रुपए, और ये भारत का कुल जीडीपी का 4.5% हिस्सा है। मध्य प्रदेश के जीडीपी का मेन सोर्स के बारे में बात करें तो उसमें पहली कृषि आती है जो 62% है, सर्विसेज में 37% और इंडस्ट्रीज में 5% है। और इसके अलावा भी मध्य प्रदेश अपने गर्भ में भारत का सबसे ज्यादा डायमंड छुपा के रखा है, और ये भारत का एक ऐसा लौता राज्य है जो डायमंड उत्पादन कराता है। भारत के 10 सबसे अमीर राज्य की सूची पर 9वीं नंबर पर आता है तेलंगाना। तेलंगाना की कुल जीडीपी 9,69,000 करोड़ रुपए है, और ये भारत का कुल जीडीपी का 4.8% हिस्सा है। तेलंगाना की मुख्य योगदान कृषि है जो कि 55% है, उद्योग में 17%, सर्विस में 26% है। दोस्तों ये राज्य साउदर्न इंडिया में मौजूद है और इस राज्य का कैपिटल है हैदराबाद। ये राज्य टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में बहुत ज्यादा आगे है। तेलंगाना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के कारण इंक्लूड एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड माइनिंग सेक्टर्स के वजह से ये राज्य आज भारत के 9वीं सबसे अमीर राज्य है। भारत के 10 सबसे अमीर राज्य की सूची पर 8वीं नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कुल जीडीपी 9,73,000 करोड़ रुपए है जो कि भारत के कुल जीडीपी का 4.8% हिस्सा है। आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। आंध्र प्रदेश का कुल आबादी का 62% पॉपुलेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कृषि पर ही निर्भर है। इस राज्य का जीडीपी का 100% में से एग्रीकल्चर 40%, सर्विसेज 41%, इंडस्ट्रीज 19% का हिस्सा रखता है। भारत के 10 सबसे अमीर राज्य के लिस्ट पर नंबर 7 पर आता है राजस्थान। राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये राज्य भारत के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। इस राज्य का कुल जीडीपी 10,21,000 करोड़ रुपए है जो कि भारत के टोटल जीडीपी का 5.1% हिस्सा रखता है। इस राज्य की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर कवर करता है। इसके अलावा भी राजस्थान वन ऑफ द लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग लोकेशन है इन इंडिया। ये राज्य जिस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है वो है डेकोरेटिव स्टोन्स, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन्स एंड मार्बल और भी कई सारे। इस राज्य का टूरिज्म भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। दोस्तों अभी बात करते हैं नंबर 6 पर आने वाला राज्य वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल की टोटल जीडीपी 14,44,000 करोड़ रुपए है और ये राज्य भारत का कुल जीडीपी का 6.2% हिस्सा है। वेस्ट बंगाल का अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि और मध्यम उद्योग में निर्भरशील है। ये स्टेट भारत के ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है और इस राज्य की राजधानी का नाम है कलकत्ता। और ये राज्य भारत का लौता एक ऐसा राज्य है जो अकेला 3 देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उन देशों का नाम है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल भारत का दूसरा सबसे ज्यादा चाय उत्पादक राज्य भी है। इसके अलावा भी फिश, राइस एंड पोटैटो जैसे चीजों की प्रोडक्शन में ये राज्य हमेशा टॉप 3 पोजीशन पर आता है। इससे ये पता चलता है इस राज्य की टोटल जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि कवर करता है। इस सूची के 5 नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कुल जीडीपी 17,91,000 करोड़ रुपए है और ये भारत का कुल जीडीपी का 7.5% हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा जैसे कई शहरों की तेजी से विकास हुआ है और इसी कारण उत्तर प्रदेश के जीडीपी का भी ग्रोथ हुआ है। ये राज्य भी एक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी लार्जली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये राज्य भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है, इंक्लूडिंग द ताजमहल। भारत के 10 सबसे अमीर राज्य की सूची पर 4 नंबर पर आता है कर्नाटका। कर्नाटका के कुल जीडीपी 18,06,000 करोड़ रुपए है और ये भारत का जीडीपी का 7.9% हिस्सा है। कर्नाटका के जीडीपी अन्य राज्य की तुलना में पिछले एक दशक में सबसे तेजी से ग्रो किया है। कर्नाटका इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल। कर्नाटका को भारत का आईटी हब्स और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी क्लस्टर कहा जाता है। कर्नाटका में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तानी मशीन टूल्स, भारतीय टेलीफोन उद्योग जैसी कई सारे फेमस कंपनियों का हेडक्वार्टर है और यही सारी चीजों की वजह से आज कर्नाटका भारत का चौथा सबसे अमीर राज्य है।
भारत का 10 सबसे अमीर राज्य की सूची पर तीसरे नंबर पर आता है गुजरात। गुजरात के कुल जीडीपी 18,85,000 करोड़ रुपए है, जो भारत के कुल जीडीपी का 8.1% हिस्सा है। गुजरात राज्य की इकोनॉमी का प्रमुख स्रोत है कृषि और उद्योग। गुजरात ग्लोबली प्रोसेस डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसके अलावा भी गुजरात तंबाकू, सूती कपड़े और बादाम का भी एक बहुत बड़ा उत्पादक है। भारत में बनने वाली कुल दवाइयों का एक तिहाई हिस्सा गुजरात में ही बनता है। और इसके अलावा भी फार्मा, केमिकल्स, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब का एक बहुत बड़ा हब है गुजरात। और यही सब कारण आज गुजरात राज्य भारत का तीसरा सबसे अमीर राज्य है। भारत के 10 सबसे अमीर राज्य की सूची पर दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुल जीडीपी 20,92,000 करोड़ रुपए है और ये भारत के कुल जीडीपी का 9.1% हिस्सा है। इस राज्य की 50% आबादी शहरों में रहती है और ये आपको जान के हैरानी होगी, कृषि पता नहीं इस देश में इस राज्य की कृषि 13% है, उद्योग में 34% और सर्विस में 53% है। तमिलनाडु ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स और लेदर प्रोडक्ट जैसे चीजों की उत्पादन करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस राज्य के ट्रेड, जिससे यह राज्य आज भारत का सेकंड रिचेस्ट स्टेट है। अभी बात करते हैं नंबर वन के बारे में, वो स्टेट के बारे में जो अकेला भारत का जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है। नंबर वन पे है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कुल जीडीपी 32,42,000 करोड़ रुपए है और ये भारत के कुल जीडीपी का 13.1% हिस्सा है। महाराष्ट्र जनसंख्या में दूसरा और एरिया वाइज तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य के कैपिटल है सपनों का शहर मुंबई, और इस राज्य को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, मास मीडिया, एरोस्पेस, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम, फैशन एंड टूरिज्म के लिए जाना जाता है। और ये राज्य ही सब कारणों के लिए अर्थव्यवस्था में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य है। और इसके साथ आप सभी को एक फैक्ट बता दूं, ये 10 राज्यों अकेला भारत का 71% जीडीपी कवर करता है। ये था भारत का 10 सबसे अमीर राज्य। अगर आपको दुनिया के 10 सबसे अमीर इंसान के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पे दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हो। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड कर पाता है तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट करना और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना। तो मिलते एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।